साइको सारा फालतू की ट्रिगर हुई है तो बाहर जाना तो बनता था, तो ये डिसीजन जो है वो एकदम घर वालों ने, या तो मैं बोलूं कि विवियन डिसेना और अविनाश और ईशा और एलिस ने लिया कि भाई साइको सारा को बाहर ही जाना चाहिए, ऐसी वाले जो दिमाग वाली जो औरत है वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। और सीरियसली अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है, मे बी शायद इलाज बने हुए हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें जो है बनी हुई है, उनको वहाँ पर जाके जो है इलाज करवाना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही बड़ी जो है मतलब कि टाइम माइंड कोच बनी हुई फिरती हैं, इनको पहले एक्चुअली में अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है। आप लोगों ने प्रोमो देखा कि टाइम गॉड की आखिरकार छड़ी जो है उसको पकड़ के रखना है, जो लास्ट में बच्चे का जो पकड़ा रहेगा वो जो है बन जाएगा टाइम गॉड। बट इन लोगों ने जो है अपनी अग्रेशन के कारण, अपने गुस्से के कारण कि अपनी सेल्फिश के कारण जो है ये हरकतें की, और इसी चीज़ का संचालन कौन कर रहे थे, विविन कर रहे थे। तो विविन जो है वहाँ पर खड़े थे, जहाँ पर सबसे पहले झटका जो है जो कि प्रोमो में दिखाया गया है वो मारा है, झटका मारा है रज्जू दलाल ने, जिसके कारण जो है वो स्टिक तो टूट चुकी है और उसने बोला कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया है, यानी कि वो कार्य से बाहर हो चुका, सबसे पहले अपनी धौंस जमाने के चक्कर में वो बाहर ही हो गया है। बोलते हैं ना कि कब्र खोद रहे हो तो किसी और के लिए खोद रहे हो, तुम भी जाओगे, ऐसी बातें आपने कभी सुनी होगी, तो वो चीज़ जो है वो रज्जू दलाल ने की है। और रही बात अभी सारा अरफीन की, सारा अरफीन ने तो फिर भी स्टिल वो स्टिक जो है पकड़ी हुई थी, पर सारा अरफीन इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो गई इन चीज़ों से कि वो एक्चुअली में सबसे पहले अटैक कर चुकी है करणवीर के ऊपर। वो स्टिक लेके जो टूटी हुई है उसने इस तरीके से पुश किया कि अगर वो ज़्यादा पुश हो जाता कि वो टूटा हुआ पार्ट जो है वो करणवीर के चेहरे में भी घुस सकता था, पहली चीज़ उसने वहाँ पर की। और फिर जो है उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसी हरकत करने पे जो है, ऐसी बातें बोलने पे जो है, तो विविन ने उसको बाहर निकाल दिया, तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसका पति आ गया। तुमने उसका दिल थोड़ा है, अच्छा दिल तोड़ा है, तो पहले तो ये बात है कि दिल को रखो साइड में, फीलिंग्स को रखो साइड में, पहले जो तुम माइंड वॉच बने हुए फिरते हो अपनी बीवी का इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट अपने लिए और सबके लिए कर रही है और उसका नाम खराब हो रहा है, और मेरे जैसे लोग भाई 36 घूम रहे होंगे ठीक है ये बात करते हुए, और ये बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो है, हालांकि मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है कि किसी के बारे में मैं इतनी गंदे तरीके से बात करूं, पर जो दिखाई दे रहा है मैं क्या करूं, बात तो करनी पड़ेगी, रिव्यू तो है, गॉसिप तो है, और मैं एकदम रिव्यू जो है वो सही देती हूँ। थोड़ा सा बुरा मुझे भी लग रहा है सारा के बारे में ये बात बोलते हुए, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, बट इसका इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी हार्म कर दो। तो अगर आप हार्म कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व करते हो घर से बाहर जाना, और इसीलिए तुमने मतलब कि इतना ज़्यादा कांड किया, उसने तुमको बाहर निकाला, तुम उसकी जान पे भी चली गई, तुमने सबसे पहले जो है विवियन के ऊपर चीज़ें फेंकी, फिर ईशा के ऊपर फेंकी, फिर अविनाश अगर बीच में आया तो अविनाश की छाती पे इतना ज़्यादा चोट मारा, जो कि अगर कोई गलत जगह पर लग जाती चीज़ें तो आखिरकार वो बंदा और या कोई भी इंसान और जो है जान से भी हाथ धो बैठता था, तो तुम क्या करती, तुम जेल की सलाखों के पीछे जाती, बस दूसरा बंदा तो अपनी आंखें बंद कर लेता और वो दुख जो है वो उसकी पूरी फैमिली के लिए होता। तो ऐसे लोगों को ना एक्चुअली में इस जगह पर आना नहीं चाहिए, तो अच्छा है कि अगर उसकी एविक्शन हुई, अगर क्या भैया एविक्शन हो चुकी है, तो अच्छा है कि वो अपनी जगह पर जाए और इलाज करवाए कि वो बेटर इंसान जो है वो बन पाए। आपका क्या कहना है बताइए जरूर, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।